Hello student, good morning. Today we are going to study polarization of light. Huge of the, what is the use of polarization in our life? Due to polarization technique only, after glaring of the television had been reduced much and much. मेरे बचपन में जो टेलीविजन होते थे इतनी हाई ग्लेयरिंग होती थी कि लोगों की आंखें खराब हो जाती थी लोग कंप्यूटर के सामने बैठते थे इतनी हाई ग्लेयरिंग होती थी कि लोगों की आंखें खराब हो जाती थी पोलराइजेशन इज ए टेक्निक जिसकी वजह से ग्लेयरिंग ना के बराबर हो गई और कॉन्वीनियंट है आपकी आई के लिए ऐसी लाइट आप कर गेन कर सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर इनसे शाइनिंग ऐसी गेन कर सकते हैं विजन ऐसा गेन कर सकते हैं इन कंप्यूटर टेलीविजन मोबाइल जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड लाइक दिस सो नो क्वेश्चन इज दिस व्हाट इज द पोलराइजेशन फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑप्टिकल फिनमिना

पोलराइजेशन की बेसिक मीनिंग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि तो दिस इज अ पॉइंट सोर्स और जब पॉइंट सोर्स होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल ऐसे 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 ऑल डायरेक्शन में ऊपर नीचे चारों तरफ रेडियली एमिट होंगे ऑल डायरेक्शन होंगे सो so, अगर मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं तो जैसे कि आप एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेव का एक कॉम्पोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस है एक्स के एलोंग वाई एक्सिस है लाइक like दिस दिस इज द सिंबल ऑफ वेब्स तो यह अनपोलराइज दिस इज सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट और ये इधर मूव कर रही है और जब यह पोलराइज होगी मीन्स टू कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी तो इसका एक वेव जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ये जो डॉटेड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक बॉडी के जिसके थ्रू वेव्स ट्रांसमिट होंगी उसके थ्रू उसके एक्सिस के एलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी ये वेव्स वाइब्रेट कर रही है तो टू कॉम्पोनेंट में ब्रेक हो गए एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल ये थोड़ा आगे और क्लियर होगा जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ये एरो बने हुए हैं और यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं दिस इज द अनपोलराइज लाइट और जैसे टोर्मा लाइन क्रिस्टल और ये क्रिस्टल पोलराइजर है इसमें एक्सेसेज होते हैं तो एक वेब इन एक्सेस जो एक्सेस के पैरल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए निकल गई जैसे प्लेन पोल पोलराइज्ड पुल, वेव्स हैं <laughs> पोलराइज हो गया प्लेन पोलराइज है और जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट ये यहां पर एक्सिस बने हुए जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं कर पाए वो इधर नहीं निकल पाए वो इधर रह गए अब इसमें से फर्दर आप देखिए <coughs> फर्दर आप देखिए प्लीज इन दिस केस <coughs> ये <coughs> सॉरी ये एक पॉइंट सोर्स है इससे वेव्स से ऑप्टिकल वेव्स ऑल डायरेक्शन में एमिट होंगे मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है ये एक प्लेन ये पोलराइजर है लाइक टूर्माइन क्रिस्टल तो इसमें पोलराइजर में एक्सेसेस हैं ये एक्सेसिस हैं और जिस एक्सेस जो वर्टिकल ऐसे एक्सेस है तो जो वेब्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे अलोंग द एक्सेस वो इधर निकल आएंगे लेकिन जो इसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगी वो इधर नहीं निकल पाएंगे तो 50 परसेंट इंटेंसिटी यहां पर मिलेगी तुम्हें फिफ्टी परसेंट वेब्स यहां पर आ जाएंगी तो इंटेंसिटी ऑफ जो यहां पर वेब्स की होगी वो आई नॉट बाई टू जो यहां पे आई नॉट है और जो नेक्स्ट तुमने एनालाइजर पुट किया है एनालाइजर के भी एक्सेस इसी के पैडल है इसी के पैडल है तो जितने जो वेब्स यहां पर है वही वेब्स इधर भी निकल पाएंगे तो जो इंटेंसिटी यहां पर होगी सारी की सारी इंटेंसिटी सारी की सारी वेब्स यहां पर आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिस इज पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रप्टल वेब्स ई एम वेब्स ऑल डायरेक्शन में रेडियल निकलेंगे ये तुमने एक पोलराइजर पुट कर दिया तो इसमें अगर यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां पर इसकी इंटेंसिटी फिफ्टी परसेंट हो जाएगी मीन्स वो वेब जो इसके एक्सिस के अलांग वाइब्रेट कर रही हैं वो तो इधर आ जाएंगी और जो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं वो इधर नहीं आ पाएंगे लगभग फिफ्टी परसेंट यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी वेब्स की और ये जो नेक्स्ट पोलराइजर रखा है इसी के पैरल है जो ऐसे प्लेन है ऐसे यहां पर भी इसका प्लेन है सो so दिस पर भी सेम वेव्स जो वेव्स यहां पर है वही वेव्स यहां पर पास आउट हो जाएंगे तो आई नॉट बाई टू और तुमने एक थर्ड पोलराइजर यहां पे पुट किया एनालाइजर पुट कर दिया बट इसके एक्सरसाइज इसके परपेंडिकुलर है ऐसे ऐसे 90, तो ये वेव यहां पर एक भी नहीं निकल पाएगी इसकी तो यहां पर इंटेंसिटी आपको जीरो मिलेगी ओके <clears throat> Next, you are going to study polarization with the help of Nicole prism. Nicole prism polarization in Nicole prism. Yes, one minute. Yes, this is the Nicole prism. और इसमें हम पोलराइजेशन इस स्टडी करने जा रहे हैं प्रैक्टली दो निकोल आइडेंटिकल टू निकोल प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म एंगल इज सिक्सटी एट डिग्री और एक निकोल प्रिज्म में ये एक निकोल प्रिज्म में ये ये दिस इज अ कैल्साइट क्रिस्टल अब इस निकोल प्रिज्म में इसमें से दो निकोल प्रिज्म के बीच में आप कनाडा बॉल्सम लगा दो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बल्सम वन पॉइंट फाइव तो जो इंसिडेंट अनपोलराइज वेब यहां से इंसिडेंट हो रही है तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फर्दर टू कंपोनेंट में ब्रेक हो रही है एक के लिए एक ऐसे आएगी और एक ऐसे सीधे जाएगी मीन्स दिस इज वन वी से ओ रे और जो सीधे निकल जाएगी उसे हम ई रे कहते हैं एक्स्ट्राडनरी रे अब इसका प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टली कनाडा बाल्सम के लिए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज वन पॉइंट फाइव फाइव बट ओर एस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बट ओ रे के लिए म्यू फॉर ओ रे वन पॉइंट सिक्स फाइव एट मोर ए मोर डेंसर है कंपेरेटिव टू कनाडा बाल्सम तो रे इंटर फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम और ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया यहां से बनेगा क्रिटिकल एंगल तो इस ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया मतलब पोलराइज हो गया ब्रेक हो गया टू पार्ट में एक इधर एक इधर और इसका जो ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर बनेगा इसके जो वेब्स होंगे वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे ये अलोंग द ये जो पाथ ऑफ द वेब था इसी के अलोंग ये वाइब्रेट करते हुए ई रे आगे निकल जाएंगे ई रे के लिए म्यू की वैल्यू वन पॉइंट फोर एट है दिस इज द लेस देन कनाडा बाल्शियम इसके लिए कनाडा बालशियम डेंसर मीडियम होगा और डेंसर टू रेडर वे ऐसे निकल जाएगी ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी तो ये इन दिस वे रे टू पार्ट में ब्रेक हो गई ई रे एंड ओ रे एंगल बिटवीन ई रे एंड ओ रे इज नाइन्टी डिग्री ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसको एलॉन्ग वाई एक्सिस मान सकते हैं लाइक दिस सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मेलेस रेक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलेस देखिए लॉ ऑफ मैलेस हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लो मेलेस इंटेंसिटी बट ये किसकी इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड वेब्स फ्रॉम दिटिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ वेब फ्रॉम अ पोलराइजर या ऐसे कैसे सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शन टू कौश स्क्वेयर थीटा एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर भी होता है सो यू मे राइट इंटेंसिटी इक्वल के ए स्क्वायर कौश स्क्वायर थीटा यहां लिखा हुआ है इंटेंसिटी के ए स्क्वायर कौश स्क्वायर थीटा एंड के ए स्क्वेयर दिस इज द आई नोट और ये जो ए है ये इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है इंसिडेंट की है दिस इज के ए स्क्वायर दिस इज इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा अब क्वेश्चन है कि थीटा क्या है तो लैलीज यहां से समझने की कोशिश करिए दिस इज द पॉइंट सोर्स यहां से वेब्स ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रेडियल जो वेब्स दीज आर एक्सेसिस ऑफ द क्रिस्टल जो एक्सेस के एलोंग वाइब्रेट कर रही है तो वो तो इधर आ गई और जो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है वो इधर नहीं आएंगे सो यहां पर अगर इंटेंसिटी आई नोट है तो यहां पर इंटेंसिटी इंटेंसिट बाई टू इसे मैं आईड कह रहा हूं फिर आपने यहां पे क्या किया इसी के पैल आपने यहां पर ऐसे ऐसे पुट कर दिया तो जो इंटेंसिटी यहां होगी वही यहां होगी जो, जो वेब्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं यही वेब्स यहां पर पहुंचेंगे तो जो परपंडिकुलर यहां नहीं पहुंच पाएंगे तो वही सेम इंटेंसिटी होगी आई नोट बाई टू बट यहां पर फर्दर तुमने इस एक्सिस के से थीटा एंगल पर बेंट करके एन अदर क्रिस्टल पुट कर दिया तो इस क्रिस्टल के जो एक्सिस हैं इस क्रिस्टल के एक्सिस से थीटा एंगल पर है तो यहां पर जो इंटेंसिटी तुम्हें मिलेगी दैट इज इंटेंसिटी आई डबल डेस इक्वल आई डेस जो यहां की इंटेंसिटी है आई डेस कॉश स्क्वायर थीटा दिस इज द लॉ ऑफ मैनेस को आपको याद रखना है ये आपका फॉर्मूला हो गया है ओके नेक्स्ट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इज पोलराइजेशन बाय स्कर्टरिंग ये भी एक टेक्निक है ये भी तुम्हें आना चाहिए तो प्रेटली स्काई में ये होता है इस काई में इस काई में क्या ये साइज ऑफ स्कर्टर है इफ साइज ऑफ द पार्टिकल इन ऑर्डर ऑफ द वेब लेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेब जो जो इंसिडेंट वेब है उसी ऑर्डर में पार्टिकल का साइज अगर है देन इट विल हैपन एन तो ये एक वेब ऐसे ऐसे आ रही है और ये ब्रेक्स इंटू टू कॉम्पोनेंट्स एक इसके वेब हॉर्जेंटल कॉम्पोनेट में ब्रेक हो गए और एक एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस सो दो कंपोनेंट में एक्स और वाई टू कंपोनेंट में ब्रेक हो गए पोलराइज हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ब्रेक होना ही तो पोलराइजेशन है तो ये पोलराइजेशन हो गया बाय हम वी कॉल इट पोलराइजेशन बाय स्करिंग और नेक्स्ट इज ब्रिस्टल्ला अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन एडवांस आई एम टेलिंग यू इट इज इंपोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिस्ट so, अल्लाह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अब इसमें से ये कंसिडर कर लिए दिस इज द डेंसर मीडियम ये डेंसर मीडियम है एंड दिस इज द रेरर मीडियम ये मैंने ये जो हमारी लाइन है ये लाइन है इस लाइन के ये रेरर मीडियम है तो एक वेब जब वेब्स रे ऐसे रेर में आएंगी रेरर टू डेंसर तो, तो प्रेटली जनरली क्या होता है कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ रिफ्रैक्ट होंगी मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होंगी सो दिस इज दार्शियल पोलराइजेशन ये जनरली होता है बट इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज आर वेरी लेस बट एट ए पर्टिकुलर एंगल एक फिक्स एंगल है एक पर्टिकुलर एंगल है जैसे यह मीडियम मान लीजिए एयर है या वाटर है या ग्लास है इसके लिए एक फिक्स एंगल होगा एट दैट एंगल प्लेन पोलराइजेशन प्लेन पोलराइजेशन टेक्स प्लेस मीनिंग इज दिस की दिस इज द इंसिडेंट अनपोलराइज रे है इंसिडेंट वेब और जब ये यहां पर पहुंचेगा रेडर टू डेंसर इंटरफेस पे तो इसका एक कॉम्पोनेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस और ये परपेंडिकुलर दिस इज द परपेडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसके परपंडिकुलर ये वेब्स है और ये जो वेव्स हैं दिस इज पैरल टू द जो इंसिडेंट्स वेव है उसके पैरल ये वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं सो इन दिस केस ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल तो ये अगर आईपी है वी कॉल इट एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्यूस्टर एंगल भी बोलते हैं वी कॉल इट ब्यूस्टर एंगल, एंगल, so, the, एंगल आ देश, आ देश और एंगल ऑफ पोलराइजेशन सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दैट इज ये दर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश आर डैश डेवल आईपी एंड चूंकि ये पोलराइज है और पोलराइज जो वेव्स जब ब्रेक होती हैं पोलराइज होती हैं तो 90 डिग्री पे होती है तो ओ एंड ओ बी ये दोनों पोलराइज हो गई ये वेव टू पार्ट में ब्रेक हो गई तो दिस इज द 90 डिग्री और दिस इज द 180 एट्टी होगा यही स्ट्रेट लाइन वन एट्टी है दिस इज वन एट्टी तो दिस इंप्लाइज आईपी दिस आई पी आर्डेज कह लीजिए एंड दिस एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वन मिनट प्लस यस सो लॉ क्या कहते हैं म्यूवन साइन ip according to snell's law mu 1 minute please yes according to snell's law mu 1 sin ip equal mu 2 sin r r is angle of reflections. e angle of reflection r right. and this is एंड दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन एक साइन आर को आप लेफ्ट साइड लीजिए साइन आईपी अपॉन साइन आर साइन आर को साइन आईपीएन आर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन आर को हम कॉस आईपी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ कॉम्प्लीमेंट्री सो इस जगह आप कॉस आईपी लिख, लिख लिया तुमने साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी टेन आईपी सो टेन आईपी इज द म्यू दिस इज द ब्रिस्टल लॉ ये प्रूव हो गया दिस इज द ब्रिस्टल्ला सो ये ब्रिस्टल्ला इंपॉर्टेंट है इसमें से आप लिख सकते हैं इसमें एक रिलेशन में लिख रहा हूं टेन आई पी एक्वल म्यू और म्यू कुल वन अपॉन साइंस सी भी होता है साइंस सी ये आपको लिंक कर लीजिए टेन आई पी टेन आई पी equal this is the p equal mu and this is sin c mu is the refractive index of denser medium with respect to rarer medium or sin c c is the critical angle c critical angle and uh, ip you know angle of polarization it's okay polarization is over in next uh, class numericals सेपचुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको मैं डिस्कस करूंगा और बिलोंग क्वेश्चन बिलोंग टू सी बी एस सी एंड कंपरिशंस ओके बेस्ट ऑप्लेक्ट बाय बाय